नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोशांशु पांडे और अभीक्षा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भौतिकी विषय के लिए सीजी बोर्ड एग्जाम सीरीज और मैं आप लोगों के साथ हूं। इसके अलावा सारे विषयों पर तैयारियां चल रही हैं। अभीक्षा के प्लेटफॉर्म पर यह तैयारी आपको एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के नाम से दिखाई देगी। आपको बस इतना करना है कि हमारा एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपको एडिशनल कंटेंट भी मिल जाएंगे। तो आज हमारी चर्चा का विषय फिर से क्या है, PYQ, और PYQ में जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं और आज बारी है आंकिक प्रश्नों की। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए और आइए देखते हैं आंकिक प्रश्न कैसे हैं। पहला प्रश्न कहता है कि एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किस तरीके से दिया जाता है। भैया फाइव बराबर 6T का वर्ग धन 7T और धन 1, ठीक है। और यहाँ पर B मिली वेबर में है और T सेकंड में है, तो T बराबर 2 सेकंड में लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। हमको क्या पता है, फॉर्मूला बताइए, E बराबर ऋण d∅ dt, ठीक है। और यहाँ पर जो है भाई ये जो है सूत्र हमको पता है, तो ये हो जाएगा ऋण माइनस d∅ dt और यहाँ पर हो जाएगा 6t का वर्ग धन 7t धन 1। अब हमको जो है इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 6t का वर्ग हमको क्या पता है कि भाई जो घात होता है वो गुणा हो जाता है और फिर घात में एक की कमी आती है, मतलब यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाने के बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 × 2t³ और धन 7 × यहाँ देखिए t³ है तो 7 × 1 और t³ हो जाएगा और t³ यानी कि किसी भी संख्या के घात 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से जो है 7 × 1 और अब हम क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो है हमको मिल जाता है e का मान मिल जाता है 6 × 12t धन 7, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम t का मान जो है 2 सेकंड रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 × 2 = 24 और 24 और 7 कितना होता है, तो 24 और 7 हो जाता है 31, 7 × 4 = 31। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण e का मान क्या हो जाएगा, ऋण 31। और जो है देखिए क्योंकि ये विद्युत वाहक बल है तो वोल्ट में होगा और क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिली वेबर थी तो यहाँ पर जो है मिली वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमको उत्तर मिल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न में क्या बोलता है, फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है। 5 बराबर हो जाएगा 10t का वर्ग धन 5t धन 1 और ये 2020 का प्रश्न है और ये वाला प्रश्न भी ये 2005 का प्रश्न है। तो मैंने आपको पहला प्रश्न जो है हल करने का तरीका बता दिया है, आपको डिफरेंशिएशन करना आता होगा। अगर यही नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी कि गणितीय अवधारणाएं एक बार फिर से पढ़ा दूंगा। लेकिन यदि आपको पता है कि कैसे डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने पूरा तरीका बताया है, आपको बस उत्तर निकालना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है यहाँ पर फिर से जो है 2020 का ही प्रश्न है और यहाँ पर जो है क्या हो गया, फाई का मान हो जाता है 2t का वर्ग धन 5t धन 7 है और जो है हमको पता है e बराबर ऋण d∅ dt और यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 × 4t धन, यहाँ ऋण चिन्ह लगेगा, 4t धन 5 और यहाँ जो है जब हम मान डालेंगे तो ऋण में हमको मिलेगा ऋण t का मिलेगा 4 × t का मान कितना है, t का मान 2 है तो t बराबर 2 है तो 2 सेकंड डालने पर यहाँ पर मिलेगा 4 × 2 = 8 और 5 × 13 तो यहाँ पर हमको उत्तर मिल जाएगा ऋण 13 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये जो है आपको विद्युत विभव हो गया, विद्युत वाहक बल का मान पता चल गया। अब जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर R का मान दिया हुआ है, R बराबर 10 ओम, इसके बाद में जो है चुंबकीय फ्लक्स का मान, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान F ये है 0.01, अच्छा ये तो समय है, 0.01 तो समय है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है हो जाता है 12
12 मिली वेबर से घट के चुंबकीय फ्लक्स F2 का मान हो जाता है 6 मिली वेबर। अब जो है टाइम दिया हुआ है t बराबर 0.01 सेकेंड। हमको क्या पता है, हमको पता है e बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। अब यहाँ पर e का मान हो जाएगा फाइव टू माइनस फाइव वन बटा समय, और ये हो जाएगा 6 ऋण 12 मिली वेबर डिवाइडेड बाय 0.01 सेकेंड। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ऋण चिन्ह लगेगा तो यहाँ हो जाएगा ऋण 6 और बाहर के ऋण से जो है घट के हो जाएगा 6, तो 6 बटा 0.01, और यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 6 बटा 0.01 मिली वेबर। ठीक है, और ये हो जाएगा 600 मिली वेबर। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो है हमको 600 मिली वेबर, तो ये जो हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ई का मान हम लोगों ने निकाल लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 मिली वोल्ट, और यहाँ इसका मान हो जाएगा 6 वोल्ट। अच्छा, हमको जो है R का मान कितना दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है 10 ओम, और हमको पता है कि I बराबर V बाई R बराबर EMF डिवाइडेड बाई R, और ये हो जाएगा 6 बटा 10, और यहाँ से मिल जाएगा हमको 0.6 एम्पियर का करंट, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक के लिए हम लोगों ने देखा था कि n φ = Li। ठीक है, उसके बाद में जो है प्रश्न क्या दिया है कि फेरों की संख्या कितनी है, 800, n का मान लिख लो 800 फेरे। उसके बाद में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा, I जो है वो क्या हो गया, I का मान हो जाएगा 1.5 एम्पियर। इसके बाद में क्या है कि प्रति फेरे में चुंबकीय फ्लक्स का मान, मतलब फाई का मान जो है दे दिया है, फ्लक्स का मान है 1.5 × 10⁵ वेबर। अब जो है कुंडली का प्रेरकत्व यानी कि एल का मान निकालना है, एल बराबर क्वेश्चन मार्क, हम लोगों के पास में सूत्र है तो हम सूत्र लगाएंगे एल बराबर n φ / I, और यहाँ पर हो जाएगा 800 × φ का मान कितना है, 1.5 × 10⁵ I का मान कितना है, I का मान है 1.5 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 1.5 से 1.5 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 800 × 10⁵ यानी कि हो जाएगा 8 × 10³⁰ और ये हेनरी हो जाएगा। इस प्रकार से हमको एल का मान पता चल गया। प्रश्न कब का था, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न देखते हैं, 1000 फेरों वाली कुंडली में मतलब एन का मान हो जाएगा 1000, 2.5 एम्पियर धारा का मान हो गया 2.5 एम्पियर। इसके बाद में प्रत्येक फेरे में फ्लक्स का मान हो जाता है 0.5 × 10⁵ वेबर। उसके बाद में जो है कुंडली में स्वप्रेरकत्व एल का मान ज्ञात करना है। हमको सूत्र पता है, हम लोगों ने पिछले ही प्रश्न में सारी विधि जानी है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर दें। चलिए बढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स के बाद में यहाँ पर 400 फेरों वाली कुंडली में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा, ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। यहाँ पर फिर से देखिए, फेरों की संख्या n बराबर 400, उसके बाद में 400 है भैया, 4000 नहीं है, 400 है। उसके बाद में कुंडली में विद्युत धारा I बराबर 1.5 एम्पियर। इसके बाद में 0.4 × 10⁵ वेबर, ये क्या है, ये है फ्लक्स का मान,
और हमको L का मान निकालना है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है 2021 में ही पूछा गया था। मतलब मैंने आपको जो है प्रश्नों के तरीके बताए, उसको हल करने का तरीका बताया, और अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप स्वयं इसका प्रयास करें। जब आप कमेंट सेक्शन में जो है सही उत्तर देंगे तो मैं सही वाले उत्तर पर एक लाइक या एक हार्ट दे दूंगा, जिससे आपको भी पता चल जाए। तो बिल्कुल इस बात का जवाब देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे। हाँ, ये चैप्टर जो है ये कम्प्लीट हो गया है। आपको एक आवश्यक सूचना दे दी जाए कि क्योंकि हमारे परीक्षा के दिन, परीक्षा का समय बहुत नज़दीक आता जा रहा है, इसलिए हम जो ये PYQ के पहले जो है फास्ट ट्रैक जो मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन जो सीरीज चल रहा था, उसको जो है ड्रॉप करने वाले हैं, और अब हम सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ही चर्चा कर पा रहे होंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि अभी भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला बना ही हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।